संस्कार देने पड़ेंगे। बच्चों में तो है, क्षमता है। प्लीज यू पेरेंट्स, आपसे कह रहा हूं, अपने बच्चों से प्यार करो, यही है, समझदारी से प्यार करो, बुद्धिपूर्वक का प्यार करो, ज्यादा मास्टर बनने की कोशिश मत करो। उसके बॉस बनने की कोशिश मत करो, और बड़े हो जाए फिर तो बिल्कुल नहीं। एक ढंग होता है, एक पद्धति होती है। यार हमारी सुनते हैं, तुम्हारी क्यों नहीं सुनते, हम क्या लगते हैं उसके? हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? और केवल आपसे ही नहीं कह रहा हूं, टेलीविजन के माध्यम से जो जो लोग अपने घरों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध, प्रार्थना मां बाप से, एक पद्धति है, भक्ति की भी एक पद्धति है, साधना की एक पद्धति है, जीवन जीने की एक पद्धति है, बच्चों में संस्कार डालने की एक पद्धति है। और वो पद्धति क्या है? पद्धति, हमारे पुरखे जिस मार्ग से गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, बार बार उनके उस रास्ते पर चलने से, उनके पद से हती वो धरती, तो घास के बीच में से बार बार चलने वाले लोगों के चलते एक वहां पगदंडी बन गई। तो पगदंडी कहो या पद्धति कहो, एक ही अर्थ है। पद्धति और पगदंडी एक ही अर्थ, तो एक रास्ता बन गया, उसी रास्ते से चलो। कहा गया महाजनो येन गतः सपंथा, पंथ वो है जहां से महापुरुष गए। नंद यशोदा ने लाला को प्यार करा और डांटा तो किस तरह से डांटा, ये भी भागवत से सीखो। कब दशरथ ने डांटा राम को? छोटे से हैं तब से प्यार, घर का वातावरण ऐसा और घर के संस्कार, इन सब चीजों से बच्चे सीखते हैं। केवल स्कूल में सीखते हैं ये मत मानो, स्कूल में सीखते हैं वो तो कुछ नहीं है, जरूरी है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में जो सीखते हैं, समाज से जो सीखते हैं, टीवी से जो सीखते हैं, देखा है टीवी का इंपैक्ट बच्चों पे? क्या देखते हैं उसमें? हम टीवी पर बच्चों के लिए क्या दिखाते हैं?